गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हो सकता है यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा, आज है डीप क्लीनिंग डे, आज है संडे। वैसे तो मैं डेली सफाई करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आप पेंडिंग पे छोड़ देते हैं कि ये इंशाल्लाह एक टाइम निकाल के करेंगे। जैसे अब तक कपड़े वॉश किए थे तो वो मुझे अपनी अलमारी में रखने हैं, फातिमा के कपड़े वॉश किए थे वो उसकी अलमारी में रखने हैं, गर्मियों के निकाल के उसकी जगह सर्दियों के, और उसके अलावा भी और भी बहुत से काम है। चलिए आप, ओके चलिए आप लोगों को बैक कैमरा के दिखाती हूँ। स्टोरेज आप लोगों ने मेरी वीडियोस में कभी नहीं देखा है, तो स्टोर को वीडियो में दिखाना जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम लोग का पहले गीजर था, जो मैंने आप लोगों को जिक्र किया होगा पहले, कि वो खराब हो चुका था, वो किसी काम का नहीं था, और अभी सर्दियाँ की पानी गर्म की नीड होती है, तो वो यहाँ से हम लोगों ने उतरवा दिया है, निकलवा दिया है, और अभी स्टोर का कुछ ये हाल हो रहा है। इसका सारा सामान यहाँ पे निकाल के बाहर रखा हुआ है, अभी इसको वहाँ पे मैं सेट नहीं कर सकती, वो इसीलिए क्योंकि अभी जो है मामा गई है न्यू गीजर लेने के लिए, तो वो यहाँ पे मामा और उजैर दोनों गए हैं, वो यहाँ पे आके लगेगा तो ही इसका कुछ हो सकता है। और मुझे अपना जो पीछे रूम है ये पूरा साफ करने से, आप लोगों को बोला है मुझे कपड़े रखने हैं फातिमा के, उजैर के और फातिमा के रूम का कुछ ये हाल है, क्योंकि यहाँ पर एक्वेरियम था जो हम लोगों ने फिश की वजह से बाहर निकाला है, तो उसमें मैंने ये कपड़े रखे हुए थे जो एक्स्ट्रा थे, जो हम लोग के यूज में नहीं थे। अब इन्हें सेटअप करना है, और इस बास्केट में रखे हुए उजैर के कपड़े जो मुझे उजैर की अलमारी में रखने हैं, और फातिमा की अलमारी की पूरी सेटिंग चेंज होगी, क्योंकि उसके गर्मी के कपड़े रखूंगी और गर्मी के कपड़े निकालूंगी और सर्दी के रखूंगी। सोचा सबसे पहले अपने ड्रेसेस और ये जो बेडशीट्स मैंने वॉश करके रखी थी ये अलमारी पे रख देती हूँ, ताकि जगह थोड़ी हल्की हो जाएगी, तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है और कौन सा काम पहले करना है। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? स्मॉल चेयर चाहिए, अच्छा दे रही हूँ, ओके। मेरी बेटी को तो पता नहीं क्या क्या चाहिए होते। तो जी मेरी अलमारी का काम तो हो गया डन, मैंने अपने सारे कपड़े जो है वो हैंगर कर लिए। अच्छा, मैं अपने कपड़े हैंगर करके रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ, हैंगर करके रखने से ये होता है कि प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो क्योंकि भाई डेली बेसिस पे कपड़े चेंज करते हैं, तो डेली बेसिस पे पहले प्रेस करूँ फिर पहनूँ, तो घर के काम तो फिर हो गए अगर यही सब चक्कर में लगी रही। तो मैं जल्दी अलमारी में सेट करती हूँ, फिर उजाय की अलमारी को सोचती हूँ। जी मिस्टर, आ गई गीजर लेकर। ये क्या, इसमें गीजर नहीं है, सिर्फ गीजर का ये सिर्फ गीजर का बॉक्स है, गीजर हमारा स्टोर में रख दिया, अभी फिटिंग होना बाकी। गीजर ले आया। अच्छा जी, आप आ रही हैं बेटा जी, तो आप मुझे इसके फीचर बताना पसंद करेंगे उजैर जी? फीचर इसमें बहुत सारे हैं गीजर में। उजैर तुम्हारी हालत देख के नहीं लग रहा कि तुम फीचर्स बताओ पाओगे, अभी इतना थक गए हो। टू इन वन किस तरह से? और गैस पे भी। वाओ, मतलब जब गैस होगी गैस पे चलाएगा, और जब गैस नहीं होगी तो फिर हम उसको बिजली पे चलाएंगे। ओके ओके ओके। और इसमें जो फीचर है वो आप सर्च कर लें गूगल पे, सुपर एशिया का है, सुपर एशिया कंपनी का। अच्छा, सुपर एशिया का। और मॉडल भी बता दो। मॉडल वही, एक ही मॉडल आता है, GEH 720 AI। मॉडल एक ही आता है, यही है मॉडल इसका, एक ही मॉडल आता है गीजर में, छोटा बड़ा, ये 20 गैलन साइज है। अच्छा, मतलब मॉडल एक ही है, बस उसका साइज का फर्क होगा, गैलन का डिफरेंट होगा। ओके ओके ओके, बस यही फीचर था, बस यही था इसमें फीचर। अच्छा, ये 2 in 1 है, गैस पे भी चलेगा और बिजली पे भी चलेगा। ओके, ये तो फिर बड़ी अच्छी बात हो गई यार, पहले हम लोग के पास गैस वाला था, अभी हम लोगों ने अपडेट कर लिया इसको, क्योंकि गैस नहीं आती ना। हाँ, अच्छा एक और बात बता दो, प्राइस? प्राइस है 4000। 40 rupees 40,000 40 lakh। अच्छा 40,000 प्राइस में। अब ये मत बोलिएगा कि आप लोग शो ऑफ कर रहे हैं, प्राइस आप लोग पूछते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। जी आप लोग कमेंट में फिर बाद में प्राइस पूछते हैं, के साथ साथ चीज की प्राइस बता दिया करें, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। जैन ना अभी बाहर से आए थके हुए, उजैर को लगी है भूख, मैंने सोचा काम वाम तो होते रहेंगे, एक काम करती हूँ पहले खाने का इंतजाम कर लेती हूँ। सालन गर्म हो चुका है, चावल हो रहा है बॉयल, और यहाँ मैंने पानी बॉयल में चढ़ाई है, मुझे फातिमा की बॉटल्स वॉश करनी है, ये जो कि बाहर जाती है लेके जाती है, ये मिल्क की बॉटल है, ये घर की बॉटल है, और ये स्कूल की बॉटल है, ये चारों मुझे वॉश करनी है, इसलिए गर्म पानी कर रही हूँ, जल्दी से इन्हें वॉश करती हूँ और फिर खाना निकालती हूँ और फिर बाकी का काम करती हूँ। हर आए हुए थे गीजर फिटिंग वाले, तो इसलिए मैंने फिर खाना जो है वो रूम में लगा लिया, ताकि यहाँ पे हम लोग सुकून से बैठ के खा लें खाना। अब लोग ये बोलेंगे कि बिस्तर पे बैठ के खाना खा रहे हैं। हाँ, वैसे ये क्या लॉजिक है यार, पता है लाइफ को इतना डिफिकल्ट करना ही क्यों है। लेकिन मसला ये है कि अभी हम लोग बाहर नहीं बैठ सकते। सारे कपड़े मैंने यहाँ रख दिए हैं, मुझे इस वाले पोर्शन को जो है, इस वाले एरिया को जो है वो मुझे पूरा क्लीन करना है। यहाँ से पहले झाड़ू निकालती हूँ, फिर ये साइड थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूंगी,
ताकि थोड़ा क्लीन क्लीन लगे। फिर फातिमा के कपड़े जो हैं वो इसकी अलमारी में सेट कर दूंगी। चलिए, फातिमा का पूरा रूम जो है वो माशाल्लाह से क्लीन हो चुका है, लेकिन अभी भी दो काम जो है वो पेंडिंग पर हैं। सबसे पहला ये फातिमा के सब कपड़े हैं जो मैंने अभी तक उसके अलमारी में नहीं रखे, लपेट के मैंने एक कपड़े में यहाँ रख दी हैं, ये बाद में टाइम निकाल के करूँगी। और दूसरा ये कि मुझे फातिमा की वो बुक्स थोड़ी सेट करके रखनी है, ये मैं बाद में कर लूँगी काम, इतना कुछ ज़रूरी नहीं था। और थर्ड ये कि इसमें भी फातिमा के सर्दी के कपड़े हैं जो मुझे अलमारी में रखने हैं, ये काम मैंने अभी इसीलिए छोड़ दिया और रूम क्लीन कर दिया कि अभी बाहर कुछ मेरे लाउंज का ये हाल हो रहा है, मुझे अभी अपना लाउंज पूरा क्लीन करना है, तो ये काम ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इसको ऐसे छोड़ के बिल्कुल नहीं सो सकती। तो ये तो माशाल्लाह से क्लीन हो गया, बस फातिमा के कपड़ों का काम रह गया, तो वो तो मैं बाद में भी कर ही सकती हूँ। हमारे गीज़र की फिटिंग हो चुकी है, कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। गीज़र ऑन भी हो गया। हाँ, गीज़र ऑन भी हो गया है। अच्छा, आग जल रही है, एक मिनट इसमें आग भी जल रही है। अरे वाह, लेकिन इसका एक नुकसान हो गया, मैं यहाँ कोई सामान नहीं रख सकती। यहाँ पे कोई सामान नहीं रखना। हाँ, मैं यहाँ कोई सामान नहीं रख सकती हूँ कि ये अल्लाह ना करे आग पकड़ लिया नीचे से, तो जलने का खतरा है। और उज़ैर, तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है यार, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। सब गंदा हो गया, तुम जाके फ्रेश हो जाओ पहले। अभी एक लाइट है निकली है अभी घर का सफाई करते वक्त, वो उज़ैर ने इसके ऊपर लगा दी है। अभी रुकिए, मैं लाइट ऑफ करके देखती हूँ कैसे लग रहा है। एक मिनट उज़ैर सेट कर दे, फिर लाइट ऑफ करूँगी। अरे वाह, पूरा रूम पिंक पिंक हो गया इसकी वजह से तो। अरे कितना अच्छा लग रहा है, वो क्या कहते हैं, सो ब्यूटीफुल, Just looking like a wow. ये नहीं है। क्या है? काम करते करते मैं ये बिल्कुल भूल गई कि मुझे फातिमा को होमवर्क करवाना है और कल फातिमा को स्कूल जाना है और उसे अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है। और अभी टाइम हो रहा है, जी बेटा, और अभी टाइम हो रहा है 8:29 यानी कि 8:30 का टाइम हो रहा है, अभी तक फातिमा का होमवर्क नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे फातिमा का बैग, उसका बॉक्स, उसका स्टेशनरी बॉक्स सब कुछ लेकर बैठ गई हूँ। फातिमा भी मेरी बैठ गई है मामा के साथ आकर। बस अभी मैंने जल्दी होमवर्क करवाती हूँ बाहर, लाउंज क्लीन करने के लिए मामा और फवाशी बिल आ गए हैं। मामा ने बोला तुम जाके उसको पढ़ा लो और रेडी, बहुत रात हो चुकी है, तो मैं फवाशी बिल के साथ मिलके टंकी भी क्लीन कर लूँगी और लाउंज भी पूरा क्लीन कर दूँगी। अब मैं जल्दी से उसको होमवर्क करवाती हूँ ताकि मामा के जाके हेल्प करवा सकूँ। फाइनली मेरा पूरा लाउंज जो है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा स्टोर भी दिखा देती हूँ कि इस वक्त स्टोर की क्या कंडीशन है। तो ये देखिए, ये है कुछ स्टोर की कंडीशन, स्टोर भी क्लीन हो चुका है। बस ये तारे वारे जो भी लटक रही हैं इनका उज़ैर कुछ इंतज़ाम करें कि लटकाने का कील जो भी लगाना है। और भाई ये काम भी हो चुका है डन, अब ये साफ़ सुथरा हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है साफ़ होकर। तो ये काम भी हो गया और मेरी बेटी जो है वो अभी अंदर रूम में आराम कर रही हैं, बल्कि टैब देख रही हैं। अभी उनको मुझे सुलाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इन्हें सुबह स्कूल भी जाना है। फातिमा, ये बाबा आपके लिए क्या लेके आए हैं, बाहर आइए। ये क्या ले कर आ गए फातिमा के लिए? अच्छा, उसके रोने के लिए उसके लिए ये ले आए, वाह भाई। ऐशा भाई, मैं भी रो रही हूँ यार। अभी ने अपनी वाटर बॉटल लेने के लिए गई रूम से, तब तक मैं टेस्ट कर लेती हूँ, ऐसे उसने मुझे रोकना नहीं है। अच्छा, वो वाहिद मैं हूँ जिसको वो खाने से नहीं रोकती है, बोलती है जी मामा खा लीजिए, बेटा मामा ले ले, मिर्च लग रही है, वाटर पी लीजिए, मामा ले ले बेटा थोड़ा सा, थैंक यू। मेरी बेटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, मना नहीं करती है कभी भी, पी ली वाटर, पी ली, नहीं लगेगी मिर्च, नज़र लग गई बेटा। ऐसे 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 नहीं ऐसे। ओके।